काला जादू एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से इंसान अपना स्वार्थ पूरा कर सकता है या फिर किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां इसका इस्तेमाल न किया गया हो। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो प्राचीन सभ्यताओं में इसका इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर होता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हमें स्कूलों में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और स्पोर्ट्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां काला जादू, विचक्राफ्ट और इनसे जुड़ी अनेक तांत्रिक विद्या सिखाई जाती है। सुनने में भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन ये एक चौंका देने वाला सच है। इस स्कूल में केवल तांत्रिक क्रियाओं के बारे में ही सिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो में हम आपको काले जादू सिखाने वाले इस स्कूल से रूबरू करवाएंगे। किसी पर काला जादू करना या करवाना किसी भी धर्म में जायज नहीं है। दुनिया के सभी धर्मों में काला जादू एक बुरा अमल है। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक ऐसा स्कूल है जहां पर लोगों को काला जादू, विचक्राफ्ट और अनेकों तांत्रिक क्रियाएं सख्त निगरानी में सिखाई जाती हैं। इस स्कूल की शुरुआत साल 2001 में एंड हेवर्ड नाम के एक पादरी ने की थी। ये स्कूल पैगनिज्म यानी एक ऐसे संप्रदाय के लोगों का स्कूल है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और केवल शैतान की ही पूजा करते हैं। इस स्कूल के लोगों ने अपना एक ऑनलाइन टीवी चैनल और एक रेडियो स्टेशन शुरू किया जिसका नाम मैजिक टीवी है। शुरुआत में इस स्कूल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। समय के साथ साथ इस स्कूल के विद्यार्थियों की तादाद बढ़ने लगी। साल 2003 में जब ह्यूस्टन के स्थानीय लोगों को इस स्कूल में हो रहे काले कारनामों का पता चला तो उन्होंने इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया। उन्होंने इस स्कूल को घेर लिया और खूब नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने इस स्कूल के खिलाफ एक पेटीशन भी दायर की। इन हालातों के चलते इस स्कूल को आर्थिक तंगी होने लगी, जिसके चलते इसके मालिक ने इस स्कूल की वेबसाइट को ईबे पर नीलामी पर बेच दिया। ह्यूस्टन के स्थानीय लोग इस स्कूल के सख्त खिलाफ हो गए, इसलिए यहाँ कोई भी काम नहीं किया जा सका। बाद में इस स्कूल के प्रशासन ने इसके कैंपस अलग अलग स्थानों में स्थापित किए। साल 2009 में उन्होंने इस स्कूल को अमेरिका के मशहूर शहर शिकागो में स्थापित कर दिया। इसके एक साल बाद इस स्कूल के प्रशासन ने अपना एक और कैंपस अमेरिका के मशहूर शहर सैलम में खोला। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के किसी भी शहर ने इस स्कूल को स्वीकार नहीं किया। इसके बाहर आए दिन विरोध और धरने होते रहते थे, इसलिए ये स्कूल आज के समय में ऑनलाइन ही काली विद्या सिखाता है। अगर कोई इंसान जो काला जादू सीखना चाहता है वह इनसे ऑनलाइन ही संपर्क करता है। इस स्कूल के विद्यार्थियों की तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में जहाँ भूत प्रेत काला जादू जैसी चीजों को बस एक वहम माना जाता है, वहाँ एक ऐसे स्कूल का होना जहाँ पर केवल तांत्रिक विद्या ही सिखाई जाती है और इसे सीखने वालों की तादाद 2.5 लाख से भी ज्यादा है, ये अपने आप में एक बहुत अजीब बात है। ऐसे ही कई स्कूल्स दुनिया के कई हिस्सों में और यहाँ तक के हमारे देश भारत में भी पाए जाते हैं। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।